पोलिंग पे बहुत डिपेंड होता है रिजल्ट, जितनी ज़्यादा पोलिंग होती है और हम स्पेशली अगर लोग बाहर निकल के वोट करें तो इंशाल्लाह मेरा मानना यह है कि यह बार कांग्रेस ज़रूर जीतेगी बैंगलोर सीट। आज अमीर अशरियत से मुलाकात हुई, किन मसाइल पर गुफ्तगु हुई, क्या ग्राउंड बातें सामने आई? मैं अमीर अशरियत से सिर्फ दुआ मेरे दुआ मिलने आया और दुआ करने के लिए गुजारिश की। एक महीना पहले और आज के हिसाब को क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं आप कांग्रेस से मुतालिक? या कांग्रेस का क्या, अब जब इलेक्शन को जा रहे हैं पता चल रहा है कि ज़मीनी तौर पे हमारे जो 5 गारंटीज़ हैं वो बहुत काम कर गए, क्योंकि कहीं पर भी जाओ लोग गारंटीज़ की तारीफ़ करें और जो फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो प्रैक्टिकल रियलिटी है। 2000 रुपये आ रहे हैं, फिर फ्री करंट मिल रहा है, 5 kg चावल मिल रहा है, फिर बस फ्री ट्रैवल मिल रहा है। सो ये तो सब बोल रहे हैं कि और कोई भी स्टेट इंडिया में ये फैसिलिटी नहीं देखे आम आदमी के लिए। स्टेट फैसिलिटीज से हटकर सेंट्रल गारंटीज भी कुछ आए थे, क्या उसका कुछ असर हो रहा है क्या? अब बोलना शुरू किया, भरोसा है क्योंकि स्टेट में जो गारंटीज इंप्लीमेंट किए वो तो रियलिटी है। अब इसका भी भरोसा है क्योंकि स्पेशली लेडीज़ के लिए जो लोअर इनकम ग्रुप के हैं, 1 lakh rupees सालाना वो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, और जो इंश्योरेंस का 25 lakh rupees इंश्योरेंस फैमिली के लिए वो भी बड़ा अनाउंसमेंट है, और फार्मर्स को जो लोन वेवर का बहुत ही ह्यूज इशू है, MSP का इशू है, फिर अर्बन मनरेगा में 400 rupees डेली वेजेस गारंटी का भी बहुत बड़ा वादा है। तो कार्यकर्ताओं के जोश इन दिनों बहुत ज़्यादा उरूज पर है, और जैसा शुरू में बताया जा रहा था कि एक नामानुष चेहरा है, गैर मानुष चेहरा है, वो कहीं ना कहीं वो गलत साबित हुआ है, और हर कोई मैं मंसूर इस तरह का जो स्लोगन चल रहा है, इसमें मज़ीद क्या सुधार की उम्मीद है? ये मामला ऐसा था, मैं कांग्रेस पार्टी में तो फिर 15-20 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन ये मंसूर अली खान का पर्सनल इलेक्शन नहीं, ये आप सब लोगों का इलेक्शन है। ये जो हालात मुल्क के हैं सो वो मद्देनज़र रखते हुए कल कोई भी कंटेस्ट करें हम सबको मिलके वो कैंडिडेट को जिताना पड़ता है। ये और आप बोल रहे हैं सही है, आप सभी मंसूर हैं, मैं सिर्फ एक चेहरा हूँ, ये सब कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन है और हम सब लोग मिलके कांग्रेस पार्टी को कामयाब करें। शुक्रिया सर।